हेलो गाइस, दिस इज मानसी फ्रॉम एवी ध्याती जॉर्ज एन. अब हम अपनी लिटरेचर रीडर की 11th यूनिट स्टार्ट करें, मींस पोयम नंबर 6. सो द नेम ऑफ द पोयम इज ओ आई विश आई डिड लुक आफ्टर मी टीथ. रिमेम्बर यहाँ पे मी टीथ है, माय टीथ नहीं है. कभी कभी होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंजा गिवन होता है, लिखा होता है नेम द पोयम एंड पोएट्रेस, राइट. सो वहां पे आपको ये गलती नहीं करनी कि आप माई टीथ लिख दो. सिंस चैप्टर का नेम में मी टीथ लिखा है, मीनिंग उसका माई टीथ है, लेकिन आपको भी वहां पे फिर मी टीथ ही लिखना होगा. ओके, सो इट इज रिटन बाय पैम एलिस. ओके, सो बेसिकली अब इसके नेम से हमें आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि दिस जो ये पूरी पोयम है, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ, राइट. सो यहाँ पे जो पोएट्रेस है, अब वो पास्ट की बात करें. सो शी सेज आई विश, मतलब काश मैंने पहले अपने दांतों का ध्यान रखा होता. सो बेसिकली ये जो पोयम है आपकी, ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, कहाँ वो ये सब पोयम सोचती है, ये यहाँ पे सारे इंसिडेंट सोचती है, जब वो एक डेंटिस्ट के पास बैठी हुई है, राइट, एंड उनके दांतों में फिलिंग चल रही है, ठीक है. सो वो क्या सोचती है जब वो वहां पे बैठी है, सो शी थिंक्स से काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, और जितनी मैंने चॉकलेट्स, टॉफीज, बचपन में जितनी भी कैंडीज होती हैं, ऑलमोस्ट सारी उन्होंने खाई हुई है. तो वो कहती है काश अगर मुझे पता होता कि आगे जाके मुझे इतना पेन होगा, इतनी प्रॉब्लम होगी मेरी टीथ में, तो मैं वो सब कैंडीज वगैरह नहीं खाती, उन्हें अवॉइड करती और अपने दांतों की ज्यादा केयर करती. वो ये भी बोलती है कि अगर मुझे पता होता इतनी प्रॉब्लम होनी है, मुझे इतना दर्द झेलना पड़ेगा, तो मैं अपने उन पैसों से जिनमें मैं चॉकलेट्स और कैंडीज खरीदती थी, मैं कुछ रंग की चीज खरीद लेती. ओके, एंड देन वो सारा हमें बताती है डिफरेंट कैंडीज जो उन्होंने खाई है, डिफरेंट चॉकलेट्स, अलग अलग नेम्स आएंगे इसमें बहुत सारे, जो कि आपको याद भी करने पड़ेंगे कि ये टाइप की चॉकलेट्स है, टॉफीज है जो उन्होंने खाई है, ठीक है. देन एक पॉइंट पे वो बहुत गिल्टी फील करती है कि उन्होंने क्यों उस टाइम पे अपनी टीथ की केयर नहीं करी. ऑल्सो वो ऐसा नहीं है, वो मेंशन करती है कि ऐसा नहीं है कि वो ब्रश नहीं करती थी, वो ब्रश करती थी, बट उनको क्या लगता था कि इतने अच्छे से ब्रश करना या अप एंड डाउन फ्लॉस करना, ये सब करना बिल्कुल टाइम वेस्ट है, क्योंकि जब तक मेरे दांतों से मैं खा पा रही हूँ, तब तक मेरे दांत बिल्कुल ठीक है. तो वो इस तरह से सोचती थी. एंड देन एट द एंड वो बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मा की जो नकली टीथ थे, जैसे होते ना फॉल्स टीथ बनवा लेते हैं, जब एज ज्यादा बढ़ जाते हैं ना आपके दांत गिरने लग जाते हैं, तो एक पैर बना के दे देते हैं जिनको आप एज इट इज लगा सकते हो. तो वो कहती थी मैं उस पर बहुत हंसती थी, बट अब लगता है कि मुझे ही पनिशमेंट मिल गई है, और जिस चीज पे मैं हंसती थी अब वो ही मेरे साथ रिपीट होने वाले. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दिस, बहुत इजी पोएम है. अब हम इस पोएम की समरी की बात, यही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था कि पोएम में क्या है. अब हम पोएम को लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड करते हुए चलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड अपनी पोएम को रीड करना. सो द फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विद ओ आई विश आई डिड लुक्ड आफ्टर मी टीथ. सो दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम, व्हिच मींस I wish, काश, जैसे हम बोलते हैं ना काश ऐसा हुआ होता, look after me teeth, me here means my. So यहाँ पे poem में जितनी बार भी my बोलना है उसकी जगह उसने poet ने me use किया. Okay? So I wish I did looked after. यहाँ पे जो looked after है, look का मतलब क्या होता है, देखना. So look after here means देखभाल करना. So काश मैंने अपनी teeth की देखभाल की होती. And spotted the pills beneath. Spotted means देखा होता, to see the pills. Pills is danger. मतलब pill का meaning होता है कोई danger जो आपको approach कर रहा है beneath. Beneath मतलब नीचे, मतलब मेरी teeth के नीचे जो danger था, काश मैंने उस time पहले notice किया होता. All the toffees I chewed. Toffees, we all know candies जो होती हैं. I chewed. Chewed means चबाना. Okay? एंड स्टिकी फूड. स्टिकी फूड मीन्स ऐसा फूड जो हमारे टीथ में स्टिक हो जाता है, जैसे बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं, कैंडीज आती हैं, जो हमारे टूथ में चिपक जाती है. सो उसकी यहाँ पे बात हो रही है. ओ आई विश आई डिड लुक आफ्टर मी टीथ. सो अगेन लाइन रिपीट हुई है यहाँ पे. सो इसमें यहाँ इन लाइन्स में पहले बोलते हैं काश मैंने
अपने दांतों की देखभाल की होती और जितने भी जो डेंजर था मेरे दांतों के नीचे वो मैंने पहले ही देखा होता। जितनी मैंने टॉफीज च्यू करी है, जितनी भी मैंने स्टिकी फूड खाया है, काश वो सब मैंने ना किया होता। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आई विश आई हैड बीन मच मोर विलिंग। विलिंग हियर मीन्स प्रिपेयर्ड, मतलब कि आगे जो नुकसान होने वाला था, काश मैं उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड होती। प्रिपेयर्ड मतलब कि मैंने ज्यादा अपने टीथ की टेक केयर की होती ताकि आज ये सब ना होता। सो व्हेन आई हैड मोर टूथ देयर देन फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है जब आपकी टूथ में कैविटी हो जाती है, एक होल हो जाता है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो एंड वो उसकी फिलिंग करते, मतलब उसमें वो फिल कर देते ताकि वो और ना फैले। राइट, सो शी इज सेइंग कि काश मैंने तब अपने आप को पहले प्रिपेयर किया होता जब मेरे मुंह में दांत ज्यादा थे और फिलिंग्स कम थी। मतलब अब इस स्टेज पे उनकी जो टीथ है उसमें ज्यादातर फिलिंग्स है। ओके, टू पास अप कॉप स्टॉपर्स। कॉप स्टॉपर्स इज अ टाइप ऑफ कैंडी, तो ये किसी कैंडी का नेम है। एंड पास अप इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है टू लेट गो, मतलब कि मैंने वो ना खाया होता इतना। फ्रॉम रिस्पेक्ट टू माई चॉपर्स, चॉपर्स इंडिकेट टीथ, यहाँ पे चॉपर्स का मतलब है टीथ, जिससे हम फूड चॉप करते उसके लिए यूज हुआ है चॉपर्स। तो क्यों ना खाए होते, अपने टीथ की कुछ रिस्पेक्ट करी होती और मैंने इतने सारे कॉब्स्टर्स ना खाए होते। एंड टू बाय समथिंग एल्स विद मी शिलिंग, टू बाय समथिंग एल्स, मी अगेन मीन्स माई एंड शिलिंग मीन्स मनी, मतलब कि काश मैंने अपने जो मेरे पैसे थे उनसे ये फालतू की कैंडीज लेने की जगह कुछ और लिया होता। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दी पोयम। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दी पोयम। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हेन आई थिंक ऑफ दी लॉलीज आई लिक्ड। लॉलीज आर बेसिकली लॉलीपॉप्स, बचपन में आपने बहुत लॉलीपॉप्स खाए होंगे। सो शी इज टॉकिंग अबाउट दी लॉलीपॉप्स हियर। And the licorice, all sorts I picked. Licorice is a special kind of candy. And all sorts means हर तरह की. Pick means जो मैंने चुनी और जो मैंने खाई. Okay? Then sherbet dabs, big and little. Sherbet dabs is again kind of toffees. So यहाँ पे you can see जो different words हैं, these are basically name of candies or toffees, right? So she is talking about the sherbet tabs, big and little, जो बड़े बड़े या छोटे छोटे उसने sherbet tabs खाए या toffees खाए। All that hard peanut brittle, peanut brittle means peanut is moofly and brittle is basically moofly की जो गच्चक आती है या plate आती है, हम लोगों ने भी यहाँ पे खाई होगी, so यहाँ पे उसकी बात हो रही है। Then my conscience gets horribly pricked. Conscious means senses. So, ये start हुआ था when I think of. So, मतलब कि अब वो कह रही है जब मैं सोचती हूँ जो मैंने candies और toffees खाई. So, now my conscience is horribly pricked, which means I feel very guilty about it. I feel extremely guilty कि मैंने ये सब चीजें क्यों इतनी ज्यादा खाई. Okay? Moving forward. Oh, I showed them the toothpaste all right. So now she is telling, ऐसा नहीं है कि जब मैं young age में थी तो मैं brush नहीं करती थी. So I showed them the toothpaste all right. मतलब कि मैं brush वगैरह करती थी. I flashed it about late at night. Even late at night I used to flash means display. So मतलब मैं brush करती थी. But problem कहाँ थी? But up and down brushing and poking and flushing didn't seem worth the time. So यहाँ पे problem है, she's saying brush तो करती थी, but up and down brushing means brushing. So up and down brush करना, poking and flushing, which means checking carefully कि ठीक से brush कर रहे हैं या नहीं, didn't seem worth the time. So मतलब कि brush तो करते थे लेकिन अच्छे से carefully brush नहीं करती थी, because मुझे लगता था ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। आई कुड बाइट, आई कुड बाइट मीन्स अगर मैं चबा सकती हूँ, खा सकती हूँ, तो मेरे दांत बिल्कुल ठीक है। दैट इज वॉट शी यूज टू थिंक। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द पोयम। सो नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ आई डिड न्यू आई वॉज पेविंग द वे, पेविंग मीन्स मूविंग टू कैविटीज, कैप्स एंड डीके। सो कैविटीज, कैप्स एंड डीके आर दी टूथ प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे पोएट बोल रही है अगर मुझे पता होता कि ये जो सब मैं खा रही हूँ, आई एम जस्ट मूविंग टू द वेज ऑफ ऑल दीज टूथ प्रॉब्लम्स, अगर मुझे ये चीज पता होती, द मर्डर ऑफ फिलिंग, मर्डर हियर डजंट मीन किलिंग समवन, मर्डर मीन्स पेन।
सो किसकी पेन से की बात हो रही है? फिलिंग से, इंजेक्शंस और ड्रिल्स. ड्रिल्स आर द ड्रिलर्स जो डेंटिस्ट यूज करते हैं. तो वो बोल रही है जो फिलिंग्स का, इंजेक्शंस का और ड्रिल्स का पेन है, अगर मुझे पता होता कि मुझे इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, आई डिड हैव थ्रोन ऑल मी शिरबिट अवे. शिरबिट आर, अभी हमने पहले भी करा था, शिरबिट डैब्स था वहां पे. दीज आर टाइप ऑफ टॉफीज. सो बोलिए जितनी भी मेरी ये टॉफीज थी मैं सब फेंक देती. राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर. सो आई ले इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर. सो यहां से इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो सारी पोएम रिसाइट हो रही है, सारी पोएम उनके दिमाग में चल रही है, कहां पे है वो? शी इज एट द डेंटिस्ट. ओके, एंड आई गेज. गेज मीन्स लुक. सो एंड आई गेज अप हिज नोज इन डिस्पेल. डिस्पेल मीन्स विदाउट एनी होप, बिकॉज नाउ शी नोज कि अब वो अपने दांतों को अच्छे से खराब कर चुकी है. नाउ देयर इज नो होप लेफ्ट एक्सेप्ट टेकिंग अवे ऑल द पेन्स. राइट, so she says now I'm sitting on the dentist chair and I am gazing means looking at the nose of the dentist without any hope, and his drill it do whine. so whine here means long high pitch sound. जब drill on होती है तो एक sound आती है. so she is talking about that sound. in these molars of mine, molars are type of tooth. जो पीछे वाले वाले teeth होते हैं उनको हम molars बोलते हैं. so वो उसमें उनके मोलर्स में ड्रिल कर रहे हैं. टू अमालगम ही विल से फॉरेन देयर. सो नाउ शी इज सेइंग, उसे पता है कि डेंटिस्ट क्या बोलने वाला है. देयर आर टू अमालगम. अमालगम मींस मेटल यूज्ड फॉर डेंटल फिलिंग. जब आपको जो फिलिंग करते हैं जिस चीज से, उसको हम बोलते हैं अमालगम. सो नाउ शी नोज कि डेंटिस्ट जो ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद वो बताएगा कि देयर आर टू फिलिंग्स टू बी डन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द पोएम. Now coming to the last stanza of this poem. So it says, how I laughed at my mother's false teeth. False here means fake. जैसे बड़ी एज में जाके जब सारे दांत टूटने लग जाते हैं तो वो एक सेट बनवा लेते हैं टीथ का, विच आर फेक, जिसको हम नकली दांत बोलते हैं. सो शी यूज टू लाफ एट इट एज दे फॉर्म्ड इन द वॉटर बीनीथ. उन्होंने जब आप उन फेक टीथ को पानी में रखे तो वो एक फॉर्म सी बन जाती थी उसमें. तो शी यूज टू laugh at it. But now comes the recoin. Recoin means punishment of the past mistake. जो आपने बचपन में या past में mistakes करी थी, अब उसकी आपको punishment मिल रही है. It's me, they are becoin. Becoin means approaching. Means क्या वो कह रही है, अभी मेरा time आ गया कि शायद मुझे false teeth लगवाने पड़ेंगे. Right? At the end she says, oh I wish I did look after me teeth. So I wish, काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होगा. ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पोएम. आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी. एंड अगर आपने पोएम को समझ लिया है, सारी लाइंस आपको समझ आ गई हैं, सो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे. बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो नीचे आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. आई बी कमिंग बैक अगेन विद न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.